तहजीब द कल्चर ऑफ लव की तरफ से आगाज़ तहजीब नामक एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद पिरामिड। हर गली में मंदिर, हर राह में मस्जिद है, हर गली में मंदिर, हर राह में मस्जिद है, मगर खुदा मिलता है उसी को जो सर झुकाना सीख ले। हर सीने में दिल, हर दिल में प्यार है, हर सीने में दिल, हर दिल में प्यार है, मगर प्यार मिलता है उसी को जो दिल लगाना सीख ले। है लोगों का काफिला उसी के साथ, है लोगों का काफिला उसी के साथ जो सच्चे दिल से रिश्ते निभाना सीख ले। उम्र गुजर जाती है खुशी की तलाश में, उम्र गुजर जाती है खुशी की तलाश में, मगर खुशियां मिलती हैं उसी को जो अदब के साथ, तहजीब के साथ लोगों के गम मिटाना सीख ले। की जानिब से एक मोहब्बत का पैगाम आप सबके लिए है। तहजीब का निर्माण हुआ, मोहब्बत का पैगाम तो उसके साथ जुड़ा है, खुशियां बांटना इसका एक विशेष मकसद है। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। जो पास में ना हो उनकी आवाज में खुश रहो। कोई रूठा हो तुमसे तो उसके इस अंदाज से खुश रहो। जो लौट के नहीं आने वाले उन लम्हों की याद में खुश रहो। कल किसने देखा है अपने आज में खुश रहो। और जो कि तहजीब के वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री सुंदर खन्ना जी, बहुत ही अजीम और शान शख्सियत के मालिक और बहुत ही बेहतरीन इंसान, हमेशा मुस्कुराते हैं। आज पूरा दिन इन्होंने अपने कर्म को दी है। कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ लोग जिंदगी में होते हैं, अपना पूरा 100% समाज के लिए देते हैं। और आप सब इनको जानते, काफी लोग आप में से इनको जानते होंगे कि ये बहुत ही नेक कार्य है। दीपक जो जिसको आज हमने जलाया ना, कि ये उसी दीपक को रोशन करते हैं पूरे समाज में। बहुत ही छाया जी की बात करूं तो जिस काम को करती हैं तो उसकी शिद्दत देखने वाली होती है, और दिल से नहीं करती, रूह से करती है काम को। इस समारोह में शमा रोशन करके उद्घाटन किया मुख्य मेहमान 103 बटालियन सिख इन्फेंट्री लाइट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल KS माथुर ने। इस संस्था के चेयरमैन के तौर पर नियुक्त हुए विख्यात उद्योगपति और मेडिटेशन के फील्ड के जानी मानी हस्ती अनिल भारती और प्रधान बने गायक और शायर मुकेश आलम, और साथ ही आयुर हर्बल कलेक्शन के फेम अशोक धीर को बनाया गया इस संस्था में जनरल सेक्रेटरी, और छाया शर्मा को स्टेज कोऑर्डिनेटर का दर्जा दिया गया। कुछ समझ नहीं आता अब ये इश्क है या इबादत, कुछ समझ नहीं आता। एक खूबसूरत ख्याल हो तुम जो दिल से नहीं जाता।
का नशा, चुरा के लाए हैं हम समंदर से हसरतों का नशा, हम वक्त की धार से शायरी की महफिल चुरा के लाए हैं, शायरी की महफिल चुरा के लाए। लिखी जाएगी ये शाम आज इन सितारों से, लिखी जाएगी ये शाम आज इन सितारों से, लिखी जाएगी। इजाजत दिल नहीं देंदा, क्या ते मेरा मुकट है सूरज, मैं बहुत शान चला। बहुत अच्छा, क्या कहना। सो मैं क्योंकि असी शायरा नु सुनिया है, सुनना है होर ज्यादा, असी इस नु लेखना करते हुए एक बहुत ही मोहब्बत नाल वफा मेरे लहू विच सी, मैं करनी सी ते कीती वी, वफा करके मैं इतरावा। तो सीने पे खाना सभी, जख्म खाना तो सीने पे खाना सभी, जीत अपनी जगह हार अपनी जगह, जख्म खाना तो सीने पे खाना सभी, जीत अपनी जगह हार अपनी जगह, और खाक जितना भी चाहे वो ऊंची उड़े, खाक जितना भी चाहे वो ऊंची उड़े, लौट आती है हर बार अपनी जगह। जो जिद पे आए तो एक इनकलाब हम भी हैं, जो जिद पे आए तो एक इनकलाब हम भी हैं, सताना हमको जमाने खराब हम भी हैं। आपकी सोहबत जब से हुई है ये आलम हो गया। जो जिद पे आए हैं तो एक इनकलाब हम भी हैं, सताना हमको जमाने खराब हम भी हैं, और हो मैकदे में बराबर हिसाब हम भी हैं, हो मैकदे में बराबर हिसाब हम भी हैं, जरा इधर भी तो लाओ शराब। हो मैकदे में बराबर हिसाब हम भी हैं, जरा घर भी तो लाओ शराब हम भी हैं। और आलम साहब सुनिए कि मेरा कलाम मचलता है उनके होंठों पर। अरे भाई क्या मचला है यार, मेरा कलाम मचलता है उनके होंठों पर, हुआ यकीन कि अब कामयाब हम भी हैं। हुआ यकीन कि अब कामयाब हम भी हैं, और चमन में जाके हर एक फूल को खबर कर दो, चमन में जाके हर एक फूल को खबर कर दो, दयारे इश्क में खिलता गुलाब हम भी हैं। चमन में जाके हर एक फूल को खबर कर दो, दयारे इश्क में खिलता गुलाब हम भी हैं, और सवाल करते हो या इम्तिहान लेते हो, सवाल करते हो या इम्तिहान लेते हो, संभल के रहना के हाजिर जवाब हम भी हैं। सवाल करते हो या इम्तिहान लेते हो, संभल के रहना के हाजिर जवाब हम भी हैं। अनिल भाटी साहब, संभल के रहना के हाजिर जवाब हम भी हैं, बस एक तरफ ही रही आपकी नजर तो देखो जनाब। अच्छा, आपके लिए शेर पूरी तरह से आपके लिए शेर। वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह। एक गजल इजाजत हो तो एक गजल। मेरी बात उन तक पहुंच गई।
तो हम अपना बयां बोलते हैं, बात ही दिल की मगर खुल के कहां बोलते हैं। अपने शेरों को तो हम अपना बयां बोलते हैं, बात ही दिल की मगर खुल के कहां बोलते हैं। और जिक्र उनका है, ख्याल उनके हैं, बातें उनकी। बहुत अच्छा भाई, अरे अरे क्या बात है। जिक्र उनका है, ख्याल उनके हैं, बातें उनकी। आजकल लगता है हम उनकी जुबान बोलते हैं। जिक्र उनका है, ख्याल उनके हैं, बातें उनकी। आजकल लगता है हम उनकी जबान बोलते हैं। और आह उठती है तो एहसास में ढल जाती है। आह उठती है तो एहसास में ढल जाती है। लफ्ज बन बन के मेरे अश्के रवा बोलते हैं, लफ्ज बन बन के मेरे अश्के रवा बोलते हैं। और ये शेर सुनिए कि कुछ गलत होता रहे, कुछ भी गलत होता रहे, कुछ गलत होता रहे, कुछ भी गलत होता रहे, खौफ से सहमे हुए लोग कहाँ बोलते हैं। कुछ गलत होता रहे, कुछ भी गलत होता रहे, खौफ से सहमे हुए लोग कहाँ बोलते हैं। और ठीक साथ सुनिएगा, खौफ से सहमे हुए लोग कहाँ बोलते हैं कि बात बेबात ही यूं हमसे उलझते रहना, बात बेबात ही यूं हमसे उलझते रहना, हम समझते हैं सभी आप जहाँ बोलते हैं। तहजीब द कल्चर ऑफ लव, एक ऐसी सोसाइटी जिसको फॉर्म किया है और इंटरनेशनल लेवल के शायरों को जमा किया है उस शख्स ने जिन्होंने पूरे उत्तरी भारत में मेडिटेशन और पिरामिड मेडिटेशन की क्रांति लाई और उसके बाद एक बड़ा हॉस्पिटल रन किया और बच्चों के लिए कंप्यूटर सेंटर, वृद्धाश्रम और ना जाने लुधियाना का ऐसा कोई भी समारोह नहीं होता जिसमें उनकी शमूलियत ना हो। हाल ही में वो CM के द्वारा भी एक बड़े अवार्ड से नवाजे गए, हमारे बहुत ही आदरणीय बड़े भाई श्री अनिल भारती जी जो इस सोसाइटी के चेयरमैन हैं। पहले तो भारती साहब, वॉइस ऑफ एशियंस की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया सुखविंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसे आपने इसको प्लान किया और इतने बड़े बड़े हीरे जैसे आज के मुशायरे में हमने देखे, तो कैसे ये जमा किए और क्या क्या योजना है? ये योजना ये है कि जो पंजाबी, उर्दू और हिंदी तीनों जुबानों को मिलाकर तो उसकी पोइट्री है, उसकी शायरी है, जो नई युवा पीढ़ी, जो नए बच्चे इस फील्ड में आगे आ रहे हैं और उनको हम प्रोत्साहन दें, उनको आगे बढ़ने का एक मंच प्रदान करें, एक अवसर प्रदान करें, इसी नीयत के साथ हमने आगाज़ किया तहजीब का, तहजीब का कल्चर ऑफ लव। तो क्या क्या योजनाएं हैं आने वाले समय में? आने वाले समय में योजनाएं ये हैं कि तहजीब द कल्चर ऑफ लव जो सोसाइटी है इसके अंतर्गत हम साल में कम से कम 4 इवेंट्स करेंगे, एक लोकल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे और 2 नेशनल लेवल के इवेंट्स करने का विचार है। और उसमें हम, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि तीनों जुबानों की शमूलियत करेंगे, हिंदी भी, पंजाबी भी और उर्दू भी, ताकि हर व्यक्ति जो पोइट्री को प्यार करता है या किसी भी लैंग्वेज से उसका संबंध हो, वो इन कार्यक्रम का मज़ा ले सके, लुत्फ ले सके। लेकिन हमारा मकसद यह है कि इसके साथ साथ शायरी जो है, पोइट्री जो इसमें रहेगी, रूहानियत से जुड़ी हुई रहेगी, ताकि जो हमारा मकसद है रूहानियत को आगे बढ़ाने का, वो काम भी साथ साथ चलता रहे। रूहानियत और पोइट्री, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है और उसी ताल्लुक को हम एक अंजाम देना चाहते हैं, एक शक्ल प्रदान करना चाहते हैं, ताकि पूरा समाज उससे लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुखविंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इस मौके पर किए गए खास मुशायरे में पूरे भारत के नामी शायरों को बुलाया गया, जिसमें लुधियाना के दानिश भारती भी विशेष तौर पर शामिल थे। आए हुए मेहमानों में खास तौर पर ज्योतिष सम्राट सुखमिंदर सिंह, आधारधी फाउंडेशन के रविनंदन शर्मा, पत्रकार राजन शर्मा शामिल थे। उम्मीद है कि आने वाले समय में इस संस्था के द्वारा और भी साहित्यिक कार्यक्रमों को बखूबी अंजाम किया जाएगा। लव सिद्धू, वॉइस ऑफ एशियंस लुधियाना।